जनता जनार्दन ने अस्वीकार कर दिया सपा को, बसपा को, कांग्रेस को। 70 सालों के बाद गरीब लखपति कैसे हो सकता है? यदि ये किसी ने चिंता किया है तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने चिंता किया। यूपी में 172 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो चुके हैं और यूपी का चुनाव सिर्फ यूपी का नहीं होता है, देश का चुनाव होता है। और ये बात खुद बीजेपी के दिग्गज नेता भी कह रहे हैं। यहाँ पर पिछले कई दशकों से किसी सरकार ने रिपीट नहीं किया है, तो क्या बीजेपी की सरकार बची रहेगी? आज हमारे साथ चुनाव प्रचार पर जो निकले हैं वो हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। उनके लिए भी एक तरीके से ये बहुत बड़ी परीक्षा है योगी आदित्यनाथ के साथ साथ। स्वतंत्र देव जी, लगातार आप चुनाव प्रचार करते रहे हैं, संगठन का काम देखते रहे हैं, अभी तक जो हम चुनाव बिल्कुल बीच में आ चुके हैं, क्या लग रहा है? 300 पार का नारा अलग है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के बूथों पर अखिलेश कह रहे हैं भूत नाचेंगे, बीजेपी नेताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, है क्या बीजेपी का अपना क्या असेसमेंट है? देखिए अखिलेश जी, 2017 में भी ऐसे बोलते थे, 2019 में भी बोलते थे और 2014 में भी बोलते थे, अब 2022 में भी उसी तरह भाषण दे रहे हैं कि बीजेपी वालों का हवाइयां उड़ गया है, चेहरे से उड़ गए। लगता है कि वह साफ हो चुके हैं, मतलब दम नहीं है। अब भाषण दे रहे हैं, दौड़ा कर रहे हैं कि पार्टी चलाना ही है, लेकिन पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण के बाद बिल्कुल सपा का हवा निकल गया है। अपने को जोगढ़ समझते थे, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, साप, मतलब हर जिले में मैं पछाड़ूंगा। हो सकता है वह कहीं एक आध दो जिले ऐसे हैं जहाँ एक भी सीट न पाऊँ और एक तरफा हमारी जीत रहेगी और एक वातावरण। उसके पीछे कारण भी है, उसके पीछे कारण है, कभी भी जनता जनार्दन परिवारवाद को, वंशवाद को स्वीकार नहीं करती। कुछ लोग होते हैं वंशवाद इसलिए स्वीकार करते हैं। आप देखिए, यदि उनको लोकप्रियता के आधार पर चुनाव लड़ते कि मैं नेता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरी लोकप्रियता है, तो करहल न जाते, करहल को मना करते। करहल तो किसी कार्यकर्ता को लड़ाकर जिता सकते थे और स्वयं वो फंस गए। आप जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना, उसी परिवार से अपर्णा यादव को आप ले आए, उन्होंने तो परिवार को चुनाव प्रचार से दूर रखा, डिंपल भी नहीं प्रचार कर रही हैं, मुलायम सिंह यादव भी सिर्फ करहल गए, कहीं प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं परिवार में सिर्फ शिपाल को छोड़ के किसी को टिकट भी नहीं दिया उन्होंने? देखिए, अंत में नेताजी को उतारना पड़ा ना उनको, यानी लोकप्रियता के ही आधार मान लीजिए। नहीं भी उतारते तो भी आप कहते परिवार में झगड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अंत में आप नेताजी को उतार, नेताजी की अपनी लोकप्रियता है और नेताजी के जाने से थोड़ा मजबूती हो गई उनकी, नेताजी की अपनी वंशवाद की पार्टियाँ, क्षेत्रवाद की पार्टियाँ, यानी कि आप पूरा उठाएंगे इनका कुनबा, तो आजमगढ़ एक कब्जा कर लिए, कन्नौज एक कब्जा कर लिए, मैनपुरी एक कब्जा कर लिए, इटावा कब्जा कर लिए, यानी जो यादव बहुल सीटें में थी, जो दूसरे लोग जीत कर आते थे, पूरा खानदान मिलकर कब्जा कर लिया, पूरा परिवार का। और अपर्णा तो पहले से मोदी जी को प्रशंसा करती है, योगी जी को, राष्ट्रवाद को पसंद करती है, इसलिए वो आई। लेकिन चुनाव, जो चुनाव इसके आधार पर नहीं होता है, चुनाव विकास के आधार पर होता है और त्याग के आधार पर होता है, तपस्या के आधार पर होता है। यानी मुखिया बनने के बाद, यदि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के बाद, जनता जनार्दन की सेवा करना चाहिए, न कि एक वंशवाद हावी हो। अखिलेश यादव की सभाओं की भीड़ का जो जिक्र है ना, चर्चा है, वो दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में भी हो रहा है। बीजेपी नेताओं में भी कहाँ भीड़ दिखती है वैसे? मैं वही सोच रहा हूँ कि वह भीड़ कैसे दिखाई दे रहा है उसका, क्योंकि हम हजरतगंज में एक आदमी को भेजा था कि जाकर उनका रोड शो देखो, तो मुश्किल से वहाँ 500 के ऊपर आदमी रहा होगा, हजरतगंज वाला चौराहे, जिस दिन उनका रोड शो था। लेकिन शाम को मैं देखा ट्विटर पर तो भीड़ दिखाई दे रहा था, तो मैं सोचा कि यह भीड़ कहाँ का है, तो मैं पता कर रहा हूँ कि ये कैसे भीड़ शो होता है पूरा का पूरा, मतलब कैसे भीड़ को शो करते हैं, अकेले खड़े होकर पूरे भीड़ को कैसे शो करते हैं। तो हमें जो जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन ने अस्वीकार कर दिया है सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, क्योंकि जिस प्रकार का हम
पूरा देश का चुनाव देख रहे हैं, राज्य का चुनाव देख रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करता है, उसके पीछे कारण भी है। 70 सालों के बाद कोई व्यक्ति गरीब आधारित विकास किया है, यानी एक गरीब लखपति कैसे हो सकता है? यदि ये किसी ने चिंता किया है तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने चिंता किया, कारण 70 सालों में उसको गैस का कनेक्शन नहीं मिला, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला उसको, गैस का कनेक्शन में पक्का मकान मिला उसको, शौचालय घर में मिला है, बिजली का कनेक्शन मिला है, उसका बैंक तक अपना खाता हुआ है। ये सब मिलने के कारण उसका सामाजिक प्रतिष्ठा बनता है और उसका सम्मान बढ़ता है, लोग आते हैं घर में। पहले बड़े आदमियों का शोभा था, आज उस गरीब के झोपड़पट्टी का शोभा है, तो वह घर बैठे लखपति हो गया। आगे हम चलेंगे, जिस भीड़ की चर्चा और जिक्र बार बार हो रहा है, हर पार्टी ये दावा कर रही है कि उसकी रैलियों में बहुत भीड़ होती है, तो आज हम स्वतंत्र देव जी के साथ भी चलेंगे और देखेंगे जनता के बीच वो क्या कहते हैं और क्या रिस्पॉन्स मिलता है। एक रैली करके दूसरी रैली की तरफ जा रहे हैं स्वतंत्र देव जी, और ये सामने में जो चारों तरफ है वो भीड़ है बीजेपी के समर्थक। तो हम जो बार बार जिक्र कर रहे थे कि इस बार का चुनाव कहा गया योगी जी मोदी जी, आप लोग भी कह रहे हैं 80-20 का है, और फिर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं आपको वोट भी दे रही हैं, तो एक तरफ आप तमाचा भी मार रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं वोट भी दे दो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये विकास के नाम पर चुनाव है, किसी को तमाचा नहीं। बाप रे बाप, 80-20 भी ना, बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी गरीबों का कल्याण करना, गरीबों का विकास करना, उनको सम्मान देना और वो खुशहाल रखना, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान। फिर अब्बा जान भाई जान कहाँ से आ जाते हैं, आप लोग कर देते हैं? देखिए वो तो वह करते हैं ना, उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का, जिन्ना का जिक्र उन्होंने किया है, कहानी पुरानी, चिलमबाज की उन्होंने किया है, नहीं नहीं सब वो उठाते रहते हैं, आज आतंकवाद की बात वो करने लगते हैं कभी कभी बीच में। मुस्लिम लगे कि साइकिल निशान को आपने आतंकवाद से जोड़ दिया, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति वो करते हैं, मैं तो केवल विकास की बात करता हूँ, घोर परिवारवाद की वो बात करते हैं। सत्ता में देखेंगे और सत्ता आते ही एक वंश वाला परिवार पूरा लूटने। आज मेरे को बताइए, आप राजनीति करते हैं तो आप मोदी का क्यों नहीं उदाहरण लेते हैं? परिवार के एक सदस्य सरकार गरीब नहीं बताए, जनता की सेवा करिए ना, गुंडों को जेल भेजिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए, नियुक्तियां करते हैं तो पता लगे कि पूरा खानदान की नियुक्ति होती है, कानून का राज नहीं रहता है। मुझे एक तो बार, आज एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री आके टेरर का लिंक उन्होंने साइकिल से जोड़ दिया, साइकिल तो आम आदमी भी चलाता है महाराज। चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव का साइकिल है, यानी सपा ये सब घटनाओं से जुड़ी रहती है और सपा के नेता खुल कर बोलते हैं लोगों के पक्ष में। आज मेरे को बताइए, 5 साल से एक दंगा हुआ, बम फटा, जब आतंकवादियों लोग क्या कहते हैं पता है कि हमारी सरकार होती थी तो भाजपा वाले दंगा कराते थे, वही सरकार में आ गए तो दंगा कैसे होगा? पाकिस्तान से आते थे, पाकिस्तान के बॉर्डर से आते थे, 370 धारा कितने समाप्त किया, 370 धारा 35 से समाप्त करने के बाद कश्मीर खुश। आज मुस्लिम अध्यक्ष वहाँ बन रहे हैं, श्रीनगर में बीजेपी के अध्यक्ष मुस्लिम है, गांव गांव में विकास हो रहा है, केंद्र की संपूर्ण योजनाओं का लाभ कश्मीर ले रहा है, आज गरीबों का पक्का मकान बन रहा है, खुशहाल हैं गरीब। राज्य के अंदर देखिए उनको शौचालय भी मिल रहा है, पक्का मकान मिल रहा है, गैस का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन। सुनिए ना स्वतंत्र देव जी, वो कहते हैं कि मैं फ्री बिजली, नौजवान, किसान, गरीब की बात करता हूँ, तो आप लोग अब्बा जान और भाई जान की बात करने लगते हैं और साइकिल आतंकवाद करने लगते हैं, वो ये कह रहे हैं? उनके ज़माने में बिजली कहाँ आती थी, वो तो उत्तर प्रदेश को फ्री कर देंगे, बिजली फ्री नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश को फ्री बिजली से कर देंगे, कहीं रहेगी नहीं बिजली। उनके राज्य में कुछ होते नहीं, केवल लूट के अलावा कोई धंधा नहीं है। इस समय तो भूखे नंगे टाइप के पूरा परिवार पागल है कि कैसे राज्य को नोचूं, लेकिन जनता जनार्दन ने मोदी योगी का आशीर्वाद दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला और प्रचंड आप उत्साह देख रहे हैं, जबरदस्त जनता जनार्दन का इतना प्यार। उधर से भी भीड़ की तस्वीरें आती है, इसी उत्साह की। यहाँ तो हम हैं, वहाँ तो अखिलेश यादव हैं, यहाँ तो हमारे बड़े, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, इसके अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, मतलब आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कभी आपको लगा कि अगर कुछ विधायकों का या कुछ लोगों का टिकट कट जाता तो चुनाव थोड़ा और बेहतर होता? बीजेपी में किसी का टिकट नहीं कटता है, एक लोगों का तो कटा, एक कार्यकर्ता को टिकट मिलता है, बाकी भी जिसको नहीं मिलता है उसकी चिंता होती है,
इसमें तो जिनका टिकट नहीं मिलता है तो उसको राज्यसभा जाता है, एमएलसी बनता है, पार्टी में ऊंचा स्थान पर दिया, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसलिए कार्यकर्ताओं की टिकट नहीं कटता है, इसी में आपस में बातचीत करके कुछ चुनाव लड़ाया जाता है और सब मिलकर चुनाव जीतवाते हैं और सभी लोगों को मिलकर चुनाव और सभी को सम्मान मिलता है, आगे आने पर सभी को सम्मान मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव देहात जिधर भी जाएं, आप तो खुद आपका कनेक्शन पूर्वांचल भी हो गया और बुंदेलखंड भी हो गया, छुट्टा पशु बहुत बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 मार्च के बाद करेंगे, तो 5 साल की सरकार थी तभी कर लिए होते। नहीं, बहुत काम किया, आप बताइए योगी जी के आने के बाद गौशाला से लेकर गाँव को इतना फंड दिया है, फिर भी रहता है छोटी मोटी समस्या और बची है, तो उसको हम पूरा करेंगे। हम देखिए, हम काम करते हैं जनता की सेवा का, जो भी हमारे ध्यान में आता है उसको हम पूरा करते हैं, हम गुस्सा नहीं करने वाले हैं, हम गुंडों को तह नहीं देने वाले हैं और उनको सम्मान नहीं देने वाले हैं। समस्या का समाधान करने के लिए सत्ता बनाते हैं, गरीब का कल्याण करने के लिए सत्ता में मतलब राजनीति व्यापार नहीं है, मिशन है। किसका व्यापार है मतलब? आप लोगों का व्यापार है, सपा बसपा कांग्रेस का, यही तो व्यापार है, और क्या है, भूखे मर जाए सब। मोदी जी तब करते हैं, त्याग करते हैं, तभी तो परिवार के सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है। योगी जी के पिता देहांत होने पर नहीं जाते हैं, परिवार के एक सदस्य नहीं आता है, इनका परिवार खानदान उठा कर देखते हैं ना कि वो परिवार का दर्द नहीं जानते, इसीलिए ये बात क्यों, वो पार्टी बनाते हैं तो पूरा परिवार यानी पार्टी लूटने लगती है, राज्य के अंदर मंडल से लेकर प्रदेश तक थाना कोतवाली बांध लेते हैं, सब थाना चलाने लगते हैं। बीजेपी का एक कार्यकर्ता, हमारा मंडल अध्यक्ष, एक भी थाने में नहीं गया होगा, इतना तपस्वी कार्यकर्ता कहाँ मिलेगा, हमारे मंडल अध्यक्ष के पास गाड़ी तक नहीं होगा, इतना तपस्वी कार्यकर्ता कहाँ मिलेंगे, केवल बीजेपी, केवल उसका एक ही सपना है मंडल अध्यक्ष का कि कल मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं, इसलिए गांव में रहने वाले लोग भी मंडल अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, केवल यही एक दल है, बाकी दलों में उनके बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। चलिए, तो आप दूसरी रैली की तरफ जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए, थैंक यू।